NN24 न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भारी गहमागहमी और तीखी नोकझोंक के बीच प्रारंभ हो गया। आज के इस मानसून सत्र में जहां सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए दिखाई दी, वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जन समस्याओं को लेकर सरकार पर हमला बोलते नजर आए। आइए देखते हैं आज की विधानसभा की कार्रवाई। शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। और जहां तक सफाई कर्मियों की
सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं होती है, जो ग्राम में सफाई कर्मचारी गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों में जो सफाई का कार्य है उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए मैंने कहा उसकी समस्या का समाधान हुआ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सरकार, अगर कोई काला झंडा दिखा दे सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहे और फिर उठाए बात, जिस मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो क्या वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, क्या वहाँ पर इलाज हो रहा है, क्या पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, क्या पर्याप्त मशीन्स पहुँच गई हैं, क्या पर्याप्त पेडियाट्रिक स्टाफ, एक एक घटना। और दूसरी घटना प्रतापगढ़ की, अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया, ये मामूली घटना नहीं है।